हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब वो पुरानी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। वो ये घर में एक पुरानी गाड़ी लाना तो चाहते हैं लेकिन उनको मार्केट में यूज्ड कार ढूंढने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया है जो लोग ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या जो प्रॉपर तरीके से भी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं लेकिन वो घर में कार लाना चाहते हैं। उनके पास कई बार ऐसा इतना बजट भी नहीं होता कि वो यूज कार की जगह नई अपने घर पे एक नई गाड़ी लेके आ सकें। नई गाड़ी लेने के जाते हैं तो कम से कम आज के टाइम में गाड़ी 4.5-5 लाख से ऊपर ही मिल रही है BS6 मॉडल की गाड़ी में, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके पास इतना बजट नहीं है तो उनके घर भी ये कार आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए ही लेके आया हूँ जो लोग कार परचेज़ करना चाहते हैं और जिनके पास इतना बजट नहीं है लेकिन वो फिर भी सस्ते बजट में एक अच्छी कार लेकर आ सकते हैं। आपको बस कार परचेज़ करते टाइम किन किन मेन पॉइंट्स को आपका ध्यान रखना चाहिए, मैं स्पेशली वीडियो उसी पर्पज़ से बना रहा हूँ। दोस्तों देखो, जब भी आप गाड़ी परचेज़ करने जाएं तो सबसे पहले गाड़ी परचेज़ करने से पहले आप अपना माइंड सेट कर लीजिए, अपनी नीड सेट कर लीजिए कि आपको कार परचेज़ क्यों करनी है। क्या आपने अभी नई नई गाड़ी सीखी है इसीलिए आप अभी एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या आपको दूसरी बात, क्या आपको गाड़ी अपने जिस शहर में आप जिस सिटी में रहते हैं क्या आपको उसी सिटी में गाड़ी चलानी है या आप हाईवे पे भी गाड़ी लेके जाएंगे। तीसरी बात फिर गाड़ी आती है कि आपको किस बजट की गाड़ी लेनी है। नीड एनालिसिस के बाद फिर आपको बात आती है आपके बजट की कि आपका बजट क्या है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा है कि उनका बजट 1 लाख तक ही होता है और अपर मॉडल्स की जो गाड़ियाँ हैं या 2-3 साल पुरानी गाड़ियाँ उनको अगर लेने जाते हैं तो कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 लाख से ऊपर ही अच्छी कंडीशन गाड़ियाँ मिलती है। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी लोग फेस करते हैं। मैं काफ़ी साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 15-16 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए और ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि उनके पास इतना बजट नहीं होता और वो दूसरे लोगों की बातों में गुमराह हो जाते हैं और वो गाड़ी परचेज़ कर भी नहीं पाते काफ़ी सालों साल तक। इसीलिए मैंने स्पेशली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। दोस्तों बजट सेट करने के बाद एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने जो भी टोटल बजट माइंड में सोच के रखा है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की गाड़ी सोच के रखी है तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, कभी आप यूज्ड कार परचेज़ करना जाएँ तो आपने जो बजट सोचा है उसका 90% ही आप कार परचेज़ करने में लगाएं, बाकी का जो 10% अमाउंट जो बचा है उसको आप अलग से रख लीजिए। हो सकता है कि उसमें जो आप कार परचेज़ करके आ रहे हैं उसमें कोई काम निकल आए या कोई टेक्निकल खर्चा आ जाए, कोई टायर का खर्चा आ जाए, कुछ भी खर्चा आ सकता है। देखिए घर में जब चीज़ आती है कार परचेज़ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा अवेलेबल रहता ही है। इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी अगर आप बजट सेट करें तो उसके 90% अमाउंट ही आप कार परचेजिंग में लगाएं और 10% आप अपने इस गाड़ी के ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है तो उसके लिए बचा के रखें, इससे आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला पॉइंट आता है, आप बजट सेट हो गया उसके बाद आपको गाड़ी कौन सी परचेज़ करनी है। क्या छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं या एक सेडान में या लंबी गाड़ी लेना चाहते हैं या एक बड़ी गाड़ी SUV लेना चाहते हैं। अगर आपने नई नई गाड़ी सीखी है तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 1 लाख या 1.5 लाख के अंदर की गाड़ी लें। उससे होगा क्या कि अगर आप गाड़ी में कहीं स्क्रैच लगा भी देते हैं तो जरूर सही सी बात है, अगर आपने नई नई गाड़ी सीखी है तो गाड़ी में हो सकता है स्क्रैच भी लगेंगे, हो सकता है कुछ छोटा मोटा आपके क्लच वगैरह में खर्चा भी आ जाए क्योंकि नई नई गाड़ी सीखते हैं तो कैसे क्लच पैडल कैसे दबाना है, कैसे ब्रेक लगाना है, कब गाड़ी को प्रॉपर तरीके से उठाना है, कहाँ ब्रेक गियर कम करने हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आती ही आती है, ये जाहिर सी बात है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक लिमिटेड बजट एक कम बजट की गाड़ी लें, उसको आप 6 महीने साल भर चलाएं, जब आपका हाथ साफ प्रॉपर तरीके से हो जाए तब आप उसको सोल्ड आउट करके आप फिर एक अच्छी और एक नई कंडीशन की या न्यू कार आप अच्छे से परचेज़ कर सकते हैं, तब तक आपका बजट भी सेट हो जाएगा और कम बजट की गाड़ी अगर आप जब बेचोगे तो आपकी उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि गाड़ी आप कभी भी परचेज़ करो तो आप जिस शहर में आप जिस सिटी में आप रह रहे हो वहीं की आप गाड़ी लो। उससे होगा क्या कि आप जब भविष्य में गाड़ी रीसेल करने जाओगे तो आपको कस्टमर आसानी से तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिए। तो जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट की गाड़ी लें, अगर उस स्टेट के जिस सिटी में आप रह रहे हैं अगर वहाँ की गाड़ी मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। अगली बात आपको बहुत पॉइंट ये रखने हैं कि गाड़ी में के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जिसकी आप गाड़ी ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर तरीके से चेक करिए। जी हाँ गाइज़, ये मैंने काफ़ी लोगों को देखा है और मेरे पास ऐसे कई कस्टमर आते हैं, मैं काफ़ी लोगों से मिलता भी हूँ और वाकई में ऐसा मार्केट में बहुत हो रहा है कि
काफ़ी लोग गाड़ी परचेस करके आ जाते हैं, सिर्फ सेल लेटर पर साइन कर देंगे या फिर एक स्टैंप पर साइन वाइन करवा के वो बस प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे। एक कुछ चंद रुपए बचाने के चक्कर में पेपर ट्रांसफ़र नहीं करवाते। खुदा ना खास्ता गाड़ी अगर आपके हाथ से कहीं लग जाए या किसी आपको आपने किसी और को गाड़ी दी है चलाने के लिए या उसकी वजह से अगर गाड़ी कहीं गलती से लग जाए, कोई हादसा हो जाए, तो जिसके नाम गाड़ी है, जिसके नाम पे आरसी, जो ओनर है उस गाड़ी का, जिसके नाम पे आरसी पे ओनर नेम आ रहा है, तो वो तो फंसेगा ही, प्लस आप भी आपको भी पुलिस के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें, कुछ चंद रुपये बचाने के चक्कर में ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आपने पेपर लिए हैं, गाड़ी ली है, तो आप अपने नाम पे आरसी ज़रूर ट्रांसफ़र करवाएं। अगली बात यह आती है, आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। जब भी आप कोई गाड़ी ले तो उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करें। आपने जो गाड़ी देखी है उसका ओनर कौन है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करिए, आरसी के साथ उसको मैच करिए, गाड़ी के इंश्योरेंस रनिंग में है कि नहीं उसको चेक करिए, और इंश्योरेंस में जो गाड़ी के जो ओनर है, आरसी पे जो ओनर है, दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको भी आप प्रॉपर चेक करें। गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, फुल पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, इसको भी आप प्रॉपर चेक करिए। गाड़ी के अंदर अगर किसी ने LPG गैसकेट लगाई है, CNG गैसकेट लगाई है, तो प्रॉपर इसको भी चेक करिए कि वो आरसी और इंश्योरेंस पे एंडोर्समेंट हो रखा है या नहीं हो रखा है। इन सब बातों का प्रॉपर ध्यान रखिए जो लोग भी गाड़ी परचेस करके आते हैं। तो अब मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलूँगा कि गाड़ी में आप गाड़ी की बॉडी लाइन में, इंजन लाइन में, एसेसरीज में, टूल किट में, टायर्स में आपको क्या क्या चेक करना है, इस चीज़ का आपको क्या क्या ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलूँगा और वहीं आपको मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ चीज़ को कैसे देखना है, कैसे परखना है, जिससे आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कभी भी आप गाड़ी परचेस करने जाए सेकेंड हैंड, अगर आपने नई नई गाड़ी सीखी है, तो अपने किसी जानकार को, ऐसे आदमी को साथ में लेके जाएं जो गाड़ी के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो और जो आपको सही राय दे सके। या तो वो आपका कोई मैकेनिक भी हो सकता है आपके जान पहचान में, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जो आपको टाइम दे सके और आपको सही राय दे सके, जो गाड़ी के बारे में आपको सही चीज़ बता सके। ऐसे किसी जानकार को ज़रूर आप साथ में लेके जाएं, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मेरे से कोई कमी रह गई हो या मुझे किस चीज़ में ज़्यादा सुधार करना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अभी आपको वीडियो को लाइक करने के लिए या शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। आप मुझे बस कमेंट करके इतना बताइए कि मेरे वीडियो में क्या कमी रह गई है, मुझे किस चीज़ में ज़्यादा सुधार करना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी के पास चलते हैं कि आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या सीखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। आपको बताया कि गाड़ी को आप कभी भी लेने जाएँ तो उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से चेक करें। जैसे ये फॉर एग्जांपल सैंपल के लिए मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन कभी भी आपको दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी आप गाड़ी परचेज़ करने जाएं तो हमेशा सनलाइट में ही गाड़ी देखें, सूरज की रोशनी में ही गाड़ी देखें। इससे होगा क्या कि गाड़ी के जो बॉडी लाइन में कहीं डेंट पेंट है, कलर मैच अनमैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको प्रॉपर पता चलेगा। इसीलिए गाड़ी कभी भी देखें तो सूरज की रोशनी में ही देखें। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, तो गाड़ी को चारों तरफ से अच्छे से देखिए, परखिए कि कहीं डेंट पेंट तो नहीं है। अब जैसे गाड़ी खड़ी है, चारों तरफ से देखिए, एकदम इसकी बॉडी लाइन, छत वगैरह देखेंगे चारों तरफ से, एकदम गाड़ी की क्वालिटी कैसी है, गाड़ी का पूरा 360 डिग्री व्यू लेंगे कि गाड़ी की क्वालिटी कैसी है। इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखिए, गाड़ी को चारों तरफ से आप देखिए कि गाड़ी की के अंदर, गाड़ी की बॉडी में कोई डेंट पेंट तो नहीं है, गाड़ी के अंदर किसी प्रकार के आप देखेंगे, गाड़ी में किसी प्रकार के कोई जंग तो नहीं खाई हुई है। इसका आप प्रॉपर देखेंगे, दरवाजे वरवाजे आप अच्छे से चेक करेंगे, इसका आप प्रॉपर ध्यान रखें। इसके बाद आप देखेंगे टायर की क्वालिटी कैसी है, ऐसा कोई टायर तो नहीं है जो ख़त्म हो रहा हो, आपको नए टायर डलवाने पड़े, आपको चारों टायर अच्छे से चेक करने हैं कि टायर की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों इसके बाद आपको इंजन की क्वालिटी चेक करनी है कि इंजन की क्वालिटी कैसी है, इंजन साफ़ है, कोई यहाँ से कोई लीकेज तो नहीं है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है अच्छे से। यहाँ अंदर की चेसिस की तरफ, बॉडी की तरफ देखेंगे, कहीं क्रैक तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं आ रही, कोई बॉडी में रस्ट तो नहीं है, कोई जंग तो नहीं खाई हुई है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कोई बेल्ट टूटी हुई तो नहीं है, इसका आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। इसको आप खोल के अच्छे से चेक करिए, आपको एक बार जब अच्छे से तसल्ली हो जाए तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए हम एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि इसमें कोई इंजन में कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि गाड़ी का साउंड, हमने गाड़ी को स्टार्ट करके देखा है, इसमें किसी प्रकार का साउंड तो नहीं आ रहा है। चलिए गाड़ी को हल्का सा एक्सेलरेट करके देखते हैं। अब देखिए इसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है, इंजन एकदम स्मूथ है। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी में किसी प्रकार की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। चलिए इसके बाद हमें देखना है गाड़ी के एग्जॉस्ट में जाके देखना है कि वहाँ से कोई स्मोक तो नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप है, यहाँ देखिए किसी प्रकार का ना तो ऑयल है, ना तो कोई प्रकार का धुआं आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी के इंजन की क्वालिटी एकदम ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपको ये देखना है गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है, यहाँ पे किलोमीटर्स वगैरह प्रॉपर तरीके से लाइटें वाइटें जल रही है नहीं जल रही है, इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है।
गाड़ी की हेडलाइट्स आप ज़रूर स्टार्ट करके देखिएगा कि सारी लाइटें प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, गाड़ी के इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये भी आपको चेक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको गाड़ी की एसेसरीज़ में आपको क्या क्या देखना है कि गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा, लोकल लगा है, ओरिजिनल लगा है, कैसी क्वालिटी है, इसको चला के आपको देखना है कि गाड़ी के जो म्यूजिक सिस्टम जो लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको गाड़ी के अंदर जो सीट कवर्स है ये देखने के, गाड़ी के जो सीट कवर्स है वो फटे हुए तो नहीं है, क्योंकि सीट कवर लगाने जाएंगे तो उसको भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है, आपको ये भी चेक अच्छे से करना है। दोस्तों फिर आपको गाड़ी के बूट स्पेस खोलना है, इसमें आपको ये देखना है कि गाड़ी के जो गाड़ी में टूल किट्स प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है या नहीं है, जैसे जैक वगैरह है, स्पेयर व्हील है, ये प्रॉपर तरीके से इसमें है या नहीं है, स्पेयर व्हील की क्वालिटी कैसी, आपको ये भी चेक करना है। पीछे आपको ये देखना है जैसे ये गाड़ी है ये LPG गैसकेट लगा हुआ है, जैसे तो ये इसमें लगा हुआ है, इसके साथ आपको ये भी देखना है कि जो गैसकेट लगा हुआ है ये गाड़ी के पेपर्स में भी एंडोर्समेंट हो रखा है नहीं हो रखा, आपको ये भी प्रॉपर तरीके से चेक करना है। तो दोस्तों आपको मेन इन बातों का ध्यान रखना है और गाड़ी को एक बार आपको चला के ज़रूर देखना है, गाड़ी को चलाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें मैकेनिकली टेक्निकली कितना खर्चा है, आपको ये प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बातों का आप प्रॉपर ध्यान रखिए और गाड़ी को हमेशा सनलाइट में देखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अंधेरे में गाड़ी को ना देखें और गाड़ी को चला के ज़रूर देखें। इन दोस्तों अभी हमने गाड़ी के पास जाके ये देखा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको नई नई और नई नई जानकारियाँ दूंगा, नई नई बातें बताऊंगा कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नए मॉडल्स आ रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो बात मैंने आपको बोली है कि मेरी अंदर क्या कमी रह गई वीडियो में उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ।